नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूँ हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कुल्हान के उपायुक्तों व अधिकारियों के साथ बैठक की। सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित झारखंड राज्य के सलाहकार बलराम ने शहर पहुंचकर मनरेगा नरेगा योजनाओं पर मंथन किया। और एडीएम के आदेश, शहर में गड़बड़ी करने वाले लोगों का नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज होंगे। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार की जल संसाधन व समाज कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि स्वर्णरेखा परियोजना समय से समाप्त हो जाएगी और इससे काफी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। झारखंड सरकार की जल संसाधन एवं समाज कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी गुरुवार को शहर पहुंची। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में पूरे कोल्हान के उपायुक्तों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की एवं सरकारी योजनाओं पर विचार विमर्श किया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि स्वर्ण रेखा परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना है और केंद्र से अनुदान पाने के बाद उम्मीद है कि परियोजना का काम समय से पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को लाभ तो होगा ही, साथ ही पैदावार में भी इजाफा होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि पोषाहार राशि आवंटन में देर हो रही है, पर सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। साथ मिलके से ताकि कहीं भी किसी किसी जगह पे थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, तो निश्चित रूप से कोई भी योजना जब तक जनप्रतिनिधि का सहयोग नहीं होगा तब तक नहीं पूरा हो सकता है। तो हमने इसलिए ये पहल किया कि सभी के सहयोग से इस योजना को, जो इसका समय है, समय के मुताबिक इसको इसका कार्य पूर्ण हो और इसका लाभ, जो पैसा लग चुका है उतने दिनों, इतनी पुरानी योजना है तो इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिले, कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी। इसका धीरे धीरे आप देखेंगे भी, अभी सिंचाई के लिए था जो 113 किलोमीटर तक सिंचाई हम लोग दे रहे हैं इसमें, तो उस मैंने कैनाल से जो सिंचाई पटवन हो रहा है बिल्कुल 113 किलोमीटर में, वहाँ के लोगों को सुविधा है, उसके लिए ये वरदान साबित हो रहा है। जब तक योजना पूरी नहीं होगी, जितने लोगों को देना है चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन हमको लगता है पिछले दिनों में, निश्चित रूप से आपने जो कहा अभिशाप साबित हुआ है, तो पिछले दिनों की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन ये लक्ष्य हम लोगों का है कि अब इस योजना का पूरा पूरा लाभ यहाँ के लोगों को हम लोग दें। इसी के लिए योजना जितना तेजी से हो सके इसमें हम लोगों काम की गति को और बढ़ाया जाए और इसको ससमय पूरा किया जाए। ये बांध ना हो, यहाँ डैम ना हो, आपका चांडिल डैम ने हो तो हमको लगता है टाटा शहर भी नहीं होगा। जमशेदपुर की जो स्थिति है, उस बांध से यहाँ पे पानी आता है, उस डैम से चाहे पीने का पानी हो या फिर अन्य जो और काम के लिए पानी हो, तो सिंचाई के साथ साथ बहुत सा हम उससे फायदा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसी तरह मल्टीपर्पज उसका भी यूज होगा, इचा डैम का। नहीं नहीं, हम उसी पे आ रहे हैं, बिल्कुल आपके सवाल पे आ रहे हैं, तो इसी तरह उस पे भी आएगा, इचा डैम में भी इसी तरह का फायदा है। और निश्चित रूप से कहीं दिक्कतें हुई है उसमें बात हो रही है और जनप्रतिनिधि के सहयोग से उनसे बात करके बिल्कुल उनसे कंसेंट, उनके कंसेंट से उसका भी निर्माण होगा। कहीं पे ये देखने को मिला कि पोषाहार की राशि सही समय पे नहीं जाती है और मानदेय जो आंगनवाड़ी सेविका सभी सहायिका को मिलता है वो नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए विभाग स्तर पे कहीं पे दिक्कत थी। दो तीन मार्च का विगत 2011-2012 मार्च का पोषाहार की राशि नहीं मिली थी, तो कल हमने डायरेक्शन दिया भी है कि जितना जल्दी हो इसको शॉर्ट आउट करें। और दूसरा जो पोषाहार जो मानदेय की है, तो उसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं कि अब यूनिक आईडी के साथ जोड़ के सभी सेविका सहायिका के खाते में, ये अक्टूबर तक का हम लोगों ने समय दिया है, अक्टूबर तक सभी का यूनिक आईडी हम लोगों को वो उपलब्ध करा दे आधार कार्ड, और उसके आधार पर ही सबके अकाउंट में पैसा चला जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित झारखंड राज्य के सलाहकार बलराम ने गुरुवार को BDO और CDPO के साथ बैठक की। मनरेगा व नरेगा की मॉनिटरिंग के लिए शहर पहुंचे श्री बलराम ने उपायुक्त कार्यालय में अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल के अलावा सभी BDO, CDPO, DDC एवं DRDA विभाग के अधिकारी मौजूद थे। श्री बलराम ने कहा कि मनरेगा नरेगा की योजनाओं को गांव-गांव में प्रचार प्रसार की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामीण इसका लाभ उठा सके। अभी तक 100 दिन काम की जगह मात्र 20 दिन काम मिल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को आंगनबाड़ियों को मॉडल बनाने तथा पोषण पर ध्यान देने का निर्देश दिया। ये बात कर रहे थे और
हाँ, दूसरा ये कि हमारे वीडियोस हैं वो, कि हम कैसे अपने अपने ब्लॉक में कुछ मॉडल क्रिएट करें, NREG के इम्प्लीमेंटेशन में जॉब डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, और लोगों के डिमांड के आधार पे, लोगों का ज़रूरत के हिसाब से, लोगों ग्राम सभा से जो पास हुआ उस तरह का योजना जिसको लोग ज़्यादा ऑन कर रहे हैं वैसा योजना ले, और उस योजना पे का इम्प्लीमेंटेशन हो, उस योजना का फ़ायदा हो, उसको लिंकेज करना जिसको बोलते हैं। अगर एक तालाब बना तो उसका मल्टीपल फ़ायदा कैसे हो सकता है, कि तालाब से पानी, सिंचाई, पेड़ फल का, मछली पालन, तो मल्टीपल फ़ायदा कैसे, कि एक एसेट्स का मल्टीपल फ़ायदा कैसे ले, इसके बारे में कुछ योजना तैयार करने का। तो एक तरफ वीडियो को अपना मॉडल तैयार करने का मौका, और दूसरे तरफ CDPO को अपने अपने प्रोजेक्ट एरिया में 25-25 आंगनबाड़ी को हम कैसे मॉडल कर सकते हैं। मॉडल मतलब खाली कि बिल्डिंग का मॉडल नहीं, पूरे 6 सर्विसेज है, तो पूरे सर्विसेज को करना, और हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम आने वाला दिन में ये कह सके कि हम कोई अपने एक गांव में या एक पंचायत में ये बोर्ड टांग सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने लोग 100 दिन का काम किए, इतना एसेट्स क्रिएशन हुआ। ADM अजीत शंकर ने कहा कि बिना लाइसेंस वाले पूजा कमेटियों को लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने गुंडा रजिस्टर में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया सख्ती से चलाने का आदेश दिया है। न्यूज टाइम से औपचारिक बातचीत में ADM अजीत शंकर ने कहा कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर काफी सतर्कता बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि शांति समिति से लगातार थानावार क्रम में बैठक जारी है, साथ ही पूजा कमेटी द्वारा गड़बड़ी करने वालों के नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज करने में कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। और बकरीद को ध्यान में रखते हुए थाना स्तर पर जो भी पीस कमेटी की बैठक होनी है एक सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाए, ताकि 27 तारीख को हम लोग का सेंट्रल पीस कमेटी का बैठक होगा। इसमें यह मामला भी प्रकाश में आया कि कई बिना अनुज्ञप्ति के पंडाल बनाए जाते हैं, तो उन पंडालों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उसको भलीभांति जांचोपरांत उसको भी अनुज्ञप्ति दिया जाए, शर्तों के अधीन उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यह भी डिसीजन लिया गया कि जो 107 वगैरह के तहत जो कार्रवाई की जाती है उसमें तेजी लाई जाए, और जो भी थाना स्तर पर हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी पहचान कर उन पर धारा 107 की कार्रवाई की जाए। ईव टीजिंग के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इसको कड़ाई से पालन किया जाए, और जो भी इस तरह का मामला आता है उस पर उसका नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज किया जाए। कुछ मामलों में ऐसा किया भी गया है, लेकिन उसमें तेजी लाने का निर्णय लिया गया। प्रखंड कांग्रेस निगरानी के सदस्यों ने नरेगा कार्यक्रम में व्याप्त गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए उपायुक्त से जांच की मांग की है। प्रखंड कांग्रेस निगरानी समिति का कहना है कि पिछले एक अरसे से नरेगा कार्यक्रम में काफी गड़बड़ी चल रही है, मगर प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा। प्रखंड कांग्रेस निगरानी समिति के सचिव विनय कुमार सिंह ने कहा कि उपायुक्त ने उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। प्रखंड में जमशेदपुर प्रखंड में 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 में तमाम योजना लंबित पड़ा हुआ है, क्योंकि फाइनल काम हो चुका है, फाइनल निष्पादन हो चुका है, MIS हो चुका है, उसके बावजूद भी आपको रिकॉर्ड खुला हुआ है और आपको कस्टमर का जो है पेमेंट नहीं क्लियर किया जा रहा है। जिस संबंध में हम लोग उपायुक्त महोदय से आज मिलने आए और मिल करके हम लोग मांग किए हैं कि इस सारी योजनाओं का विजिलेंस जाँच कराइए और वीडियो दयानंद कार्जी के ऊपर जो है FIR दर्ज की। भाजपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए रांची से 2 सदस्यीय दल शहर पहुंचा है, हालांकि कैमरे पर उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव पर लगे आरोपों की जांच के लिए राजधानी रांची से 2 सदस्यीय दल शहर पहुंचा है। इसमें वरिष्ठ नेता आनंद ओझा और गामा सिंह है। सर्किट हाउस में दिन भर कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी रही और चर्चा का बाजार भी गर्म रहा। सर्किट हाउस में न्यूज टाइम्स की टीम को आनंद ओझा और गामा सिंह ने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि ये पार्टी के अंदर की बात है और कुछ भी खुलासा अभी नहीं किया जा सकता है। जैसा कि अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ सूचनाएं आ रही थी, तो उसी के विषय में सभी कार्यकर्ताओं से और यहाँ प्रमुख लोगों से हम मिलने के लिए आए हैं। जय भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है, और बड़े परिवार में कुछ बातें आती है तो प्रदेश की ओर से उसमें
संज्ञान लिया जाता है, उसी के तहत आज कुछ प्रमुख लोगों से मिलने के लिए आए हैं और सभी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। दूसरी ओर राजकुमार श्रीवास्तव ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, वे काफी उखड़े उखड़े से नजर आ रहे थे। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने गुरुवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए संचालित हो रही निजी वाहनों द्वारा निर्देशा निर्देशों का अनुपालन न करने की शिकायत की है। जमशेदपुर अभिभावक संघ का कहना है कि स्कूलों में संचालित हो रही निजी वाहनों द्वारा सुरक्षा नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन कई स्कूली बच्चे दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि उपायुक्त ने उन्हें जांच का आश्वासन दिया है। स्कूलों में चलने वाले स्कूली वाहन में हो रहे ओवरलोडिंग और पिछले कुछ सप्ताह में जो घटनाएं घटी है ऑटो पलटने के बाद में जिसके छात्र जख्मी हुए हैं, इस पर अगर होता है तो फिर इस पर जो है हम लोग विरोध क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप लोग ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के स्कूली वाहन। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबर में फिर से आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रियंका। राजखरसवा स्थित बोरीसिरी गांव के दो व्यक्तियों को बीती रात एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजखरसवा स्थित बोरीसिरी गांव के रहने वाले दातो सोरेन और दूसरा टूटू बीती रात काम से साइकिल पर घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उन्हें ठोकर मार दिया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन्हें एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहाँ दातो सोरेन की मौत हो गई। कौन साथ में थे? वो लोग कहाँ का थे लेकिन पकड़ने पहले पे हम लोग आपके साथ कौन कौन थे? हम लोग दो आदमी थे, पीछे में बैठे थे और वो आगे में चला रहा था। परिवहन विभाग अब लाइसेंसों के निष्पादन में कड़ाई बरतेगा, उक्त जानकारी डीटीओ जॉर्ज कुमार ने एक औपचारिक वार्ता में दी। डीटीओ जॉर्ज कुमार ने कहा कि आए दिन सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला परिवहन विभाग जांच अभियान तेज करेगा, साथ ही लाइसेंस निर्गत करने में भी सावधानी बरतेगा। उन्होंने कहा कि पहले लाइसेंस देने में कुछ ढिलाई बरती गई है, जिसमें सुधार किया जाएगा। जिसकी लाइसेंस है वो आकर स्वयं काउंटर से प्राप्त करेंगे और अपना हस्ताक्षर रजिस्टर करेंगे। पहले तो किसी को भी दे दिया जाता था, पहले उनके आते थे ऐसे व्यवहार में नहीं था, लेकिन इसमें करके इसको व्यवहार में लाया जा रहा है कि उस कोशिश ये की जा रही है कि वो जो भी लाइसेंस धारी है वो स्वयं आकर के लाइसेंस प्राप्त करें। क्या टाइमिंग है सर? ऐसे लाइसेंस वितरण का समय 3 बजे से 5 बजे तक का रखा गया है, जितने देर तक लोग रहेंगे तब तक बांटा जाएगा। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को NH-33 की मरम्मती की मांग को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के सुरजीत सिंह ने कहा कि डिमना चौक से घाटशिला जाने वाली सड़क इतनी जर्जर हालत में है कि हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हादसे में अब तक यहां कई लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। उन्होंने उपायुक्त से सड़क मरम्मती करवाने की मांग की है। आज हम आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग सब उपायुक्त महोदय से ज्ञापन देने आए हैं। जो हमारे जमशेदपुर के जो हाईवे है वो बद से बदतर हालत हो गई है। काम शुरुआत होने के कगार पे थी, फिर किसी कारण से शायद बंद हो गया है, तो हम लोग ने वहाँ पे जाके सर्वे किया, वहाँ के दुकानों में जाके और वहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं स्कूलों से उनको उनसे पूछा कि मतलब आप कैसा महसूस करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा डरे हुए महसूस करते हैं, आए दिन यहाँ पे हादसे हुए होते हैं और हम चाहते हैं कि जितने जल्दी ये हाईवे बन जाए ताकि यहाँ पे हादसों का सिलसिला ये खत्म हो जाए। आज क्या कर रहे हैं आप लोगों ने? आज हम लोग डीसी उपायुक्त महोदय से हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और उसको भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल साक्षी के शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए गुरुवार को स्मार्ट क्लास का उद्घाटन हुआ। साक्षी स्थित भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल में गुरुवार को स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया। शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु स्मार्ट क्लास आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, जिससे बच्चों को सहूलियत होती है। इसका उद्घाटन जिला शिक्षा अधीक्षक अभय शंकर ने किया। तत्पश्चात श्री शंकर ने स्कूल के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया। स्कूल के प्रिंसिपल अजय प्रसाद सिंह ने कार्यक्रम के विषय में बताया। हर साल मनाया जाता है बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कि बच्चा जीवन में अच्छा करे, चरित्रवान बने, आचरणवान बने, इसके लिए। आज के मुख्य अतिथि कौन कौन? ये श्री अभय शंकर बाबू है, जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्वी सिरे, श्री आर्यन शर्मा जी चेयरमैन आर्य समाज ट्रस्ट।